क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुएं किस कारण से आवेशित होती हैं, तो याद करना है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के चलते। कोई भी वस्तु अगर धनात्मक हो रही है तभी इलेक्ट्रॉनिक का कारण है, कोई वस्तु ऋणात्मक हो रही है तो कोई वही इलेक्ट्रॉनिक कारण है। क्यों कि घर में मार झगड़ा होला, ठीक बा, तो उठकार केहू लगाओ, पति चाहे पत्नी, ठीक बा, गड़बड़ी मर्दे कैले बा समझ आए कि नहीं, कोनो उठकार लगावे, लेकिन सारा गड़बड़ी किसके चलते हुआ, पति के चलते हो गया है। वही यहाँ पर भी सेम है, कोई कारण हो तो यहाँ पर कोई कारण नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के चलते वस्तु आवेशित होती है। आवेश के बारे में बता चुके हैं कि आवेश क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसके बारे में बता देना चाहते हैं, कल बताए हुए हैं। आवेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी जानना, इसलिए कि पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड है। अगर बढ़िया से समझिएगा तो हमको लगता है बुढ़ाड़ी में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आवेश जो है, सुनिए, आवेश जो है, हम बताए थे कि आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का गुण है जो अपने अगल बगल के क्षेत्रों में या तो विद्युतीय क्षेत्र, अच्छा कौन क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र की अनुभूति कराता है। विद्युतीय क्षेत्र का भी अनुभव कराएगा और चुंबकीय क्षेत्र का भी अनुभव कराएगा। आवेश ऐसा, मतलब समझिए कि किसी वस्तु का गुण है। अब दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, हम बताए थे कि वस्तु कोई भी आवेशित होती है तो प्रोटॉन के चलते नहीं होती है, प्रोटॉन के चलते कभी आवेशित होकर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन के चलते। परमाणु है तो परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर चक्कर लगाता है कोची इलेक्ट्रॉन। घर में बैठल बड़ा हिया तू बड़ा तू आ हिया एक जना ते बड़े हिया आप बड़े तीन चार जना बड़े अब बाहर रहने पांच को कुकुर सैर करता रहा एकदम ठंडी हवा में, एकदम हेमा नाक घुमा घुमा के सूंघ रहा है सब, ठंडी हवा का आनंद ले रहा है, समझ रहे ना, कौन कुकुर, समझ रहे ना। अब बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो पहले तू आते हैं आप लड़ाई करेगा कि पहले कुकुर लड़ाई करेगा, पहले कुकुर लड़ाई करेगा। इसका मतलब हुआ जो बाहर है वही प्रतिक्रिया में मारपीट में क्या करेगा, भाग लेगा, समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही प्रतिक्रिया में भाग लेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया में भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने के चलते वस्तु आवेशित होती है। जाके क्वेश्चन बैंक में देखने का, क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुएँ किस कारण से आवेशित होती हैं, तो याद करना है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के चलते। कोई भी वस्तु अगर धनात्मक हो रही है तभी इलेक्ट्रॉनिक का कारण है, कोई वस्तु ऋणात्मक हो रही है तो कोई वही इलेक्ट्रॉनिक कारण है। क्यों कि घर में मार झगड़ा होला, ठीक बा, तो उठकार केहू लगाओ, पति चाहे पत्नी, ठीक बा, गड़बड़ी मर्दे कैले बा समझ आए कि नहीं, कोनो उठकार लगावे, लेकिन सारा गड़बड़ी किसके चलते हुआ, पति के चलते हो गया है। वही यहाँ पर भी सेम है, कोई कारण हो तो यहाँ पर कोई कारण नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के चलते वस्तु आवेशित होती है। अब कैसे बता देते हैं समझ लीजिए, ठीक है, हम कल बताए भी थे। अरे शस्त्रार्थ मत करो, पढ़ा रही है अभी। ये देखो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है ना मेरे भाई, कोई को प्रोटॉन है कोई को इलेक्ट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, तो वस्तु उदासीन होगी। उदासीन का मतलब किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा, एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। अब मान लो 5,000 कर्जा ले लो बड़ा है, अब 5,000 पाकिटों में बा तो कितना धनी बड़ा, खर्चा करब तो रुआ कहाँ पर लगी, क्या जनसांस क्या के मांगी, 3 मरबो करी। तो फायदा कर्जा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो खत्म हो गया, समझ रहे ना। तो इसी तरह से जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उदासीन हो गया। अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरी वस्तु ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी उदासीन है। किसी कारण से 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं घट सकता है, सही बार बताए, प्रोटॉन एने से उन्हें जैबे नहीं करता है। चाहे कौन लड़का कि धन हेने जाके धनावेशित कर दिला सर, कौन पट्टी के नीचे बजा दियो, बजाइए मत मैंने कहते हैं कि मैंने वो धन आवेश इधर से उधर घस सकता नहीं है, प्रोटॉन इधर से उधर घस सकता नहीं है, जब भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब मान लो कोनो कारणवश 2 इलेक्ट्रॉन उगिल दिए ही वहाँ इसके देह पर, को उगिले है आई खा गया, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 दे दिया आई इसमें, हाँ तो इसमें इसमें प्रोटॉन कितना बचा, 10 आई इलेक्ट्रॉन 8 आई, इसमें प्रोटॉन कितना है 6 और हिने 2 जब चल गया तो कब होगा 8,
इसका मतलब हुआ अपने आप यहाँ दिख रहा है कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यहाँ जो है आपको दिख रहा है कि प्रोटॉन अपने आप इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। तो जब प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन जाता है तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित। क्या हो जाएगी? तो ये धनावेशित हो गया, अभी हो गया ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो वस्तुएँ प्रोटॉन के चलते नहीं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के चलते आवेशित होती हैं। कोई क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन बैंक में दिखे, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तुएं किस कारण से आवेशित होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर आने जाने के चलते या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के चलते वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशित होती हैं। अब आवेश होता है दो प्रकार का, एक होता है धनावेश, धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, अब कहिएगा धनावेश का परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा होकर कुछ नहीं है, मानल बा कि हई धनावेश हो तो एक विपरीत प्रतिकृति हो कि ऋणावेश। हम तरह से कहें कि हई का लिखल बा, तो कह क हम कहीं समझाइए काहे क है, तन से समझा के देखाओ, तो कहेगा यहीं का यहीं बतल बा। याद रखना है धनावेश का परिभाषा नहीं है, धनावेशित वस्तु का परिभाषा है। धनावेशित वस्तु का, धनावेशित वस्तु कैसे होती है? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देती है तो, अरे इलेक्ट्रॉन देगा तब ना इलेक्ट्रॉन घट गया, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो हो जाएगा वस्तु धनावेशित। आ इलेक्ट्रॉन में उस पर ऋणावेश की मात्रा है, तो जो जितना खाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ऋणावेशित हो जाएगा। अब धीरे धीरे जहर चाट रहे हैं धीरे धीरे, तो जहरीला हो गए। उसी तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो खाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उगिल देगा तो क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो कोई पूछेगा धनावेशित क्या होता है, तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो धनावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेते लेते ऋणावेशित नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ठीक है उसकी मात्रा प्रोटॉन से अधिक होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन खाते बा, मान लीजिए से यहाँ तीन को इलेक्ट्रॉन रही और 10 को प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता रहो हैं, प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? कहाँ हाथ दिमाग रखता है जी, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो धन की मात्रा ज़्यादा ना है और ऋण की मात्रा कम है, तो वस्तु धनावेशित कि ऋणावेशित? धनावेश, जो ज़्यादा रहेगा वो आवेशित हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश हम बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 6 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु धनावेशित है अभी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद भी वस्तु पर प्लस की मात्रा ज़्यादा है। तो याद रखना है कि अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, प्रोटॉन भी बराबर है, उस अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है और उस अवस्था में ऊपर से एगो आ गया इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा ऋणावेशित। तो उदासीन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन आते आने जाने पर वस्तुएं धनावेशित या ऋणावेशित होती है। मन मूल कारण आवेशित होने का क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का आना जाना। ठीक है, तो धनावेश की प्रकृति ऋणावेश से क्या होती है? विपरीत होती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई लड़का सन के तनि दिमाग कमजोर हो तो बुझेबे ना करला। देखो यहाँ अगर प्लस 5 ई लिखल बा, चाहे माइनस 5, चाहे प्लस 5 आवेश है और माइनस 5 आवेश है, कहा जाएगा किसका मान ज़्यादा है? तो मैथ के अंतर्गत आके कहता है ये ज़्यादा बुझाता, मैथ नानू हो फिजिक्स चलता, इसमें आवेश की बात होगी तो इसका ताकत और इसका ताकत दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कैसे? प्रोटॉन का ताकत इलेक्ट्रॉन के ताकत के बराबर होता है, प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, और प्रोटॉन पर धन होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण होता है, फिर भी दोनों को बराबर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेचर खाली देखा जाता है कि नेचर उल्टा है, ताकत बराबर ही बा, यहाँ धन से ज़्यादा और ऋण से कम ना होला, वो मैथ में होला। समझ रहा है जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये होता है। तो पहले हम आवेश के बारे में बता देते हैं। ठीक है, बता दिए, उसको लिखवा देते हैं। आवेश का परिभाषा लिखवाए थे, लिखवा दिए थे ना? ठीक है।